हेलो एवरीवन, वेलकम टू मथुरा कॉमर्स क्लासेस। क्लास ट्वेल्थ स्टूडेंट्स, आप लोग का प्री पोजिशन चल रहा है। प्री पोजिशन में आज हम लोग देखेंगे ओवर, ठीक है, ओवर देखेंगे, उसके बाद में ओवर एंड अंडर देखेंगे, ठीक है। आफ्टर डैट इन और इनटू देखेंगे, ऑन देखेंगे, ऑन टाइम एंड इन टाइम, उसके बाद बाई और विथ देखेंगे। तो ओवर मीन्स क्या होता है, के ऊपर होता है, ओवर के ऊपर। जैसे कि ये मैं बॉक्स बनाया हूं, ठीक है, ये बॉक्स है, बॉक्स के ऊपर है, इसका मतलब के ऊपर हो जाएगा। अब अंडर देखिए, अब अंडर यहाँ पर है, बॉक्स है, बॉक्स के नीचे है, मतलब ये टेबल है जस्ट लाइक, उसके नीचे है, ये टेबल के ऊपर है, तो के ऊपर हो जाएगा, के नीचे हो जाएगा। ओवर के ऊपर, अंडर के नीचे। उसके बाद इन मतलब में हो गया, मतलब इस बॉक्स में है, और इन टू इस में होता है, ठीक है। तो ये है ना के अंदर आता हुआ, जैसे कि बाहर से अंदर आता हुआ, ये मोशन है ना, बाहर से अंदर आ रहा है, ये बाहर से अंदर आया है, तो इनटू में मतलब अंदर आना, ठीक है। जैसे उसके बाद में ऑन टाइम समय पर, इन टाइम समय से, बाइक के द्वारा, विद से। तो अब यहां पर देखेंगे हम लोग, जैसे कि वी नीड ए रूफ ओवर आवर हेड, वी नीड ए रूफ ओवर आवर हेड, यानी हमें छत की जरूरत है, हमें छत की जरूरत है हमारे सिर के ऊपर, हमें मतलब हम लोगों को, या हमें हमारे सिर के ऊपर छत की जरूरत है। उसके अर्थ है, यहाँ ओवर का अर्थ है के ऊपर, पर स्पर्श में नहीं, स्पर्श में नहीं का मतलब हो गया छूते हुए, जैसे कि मेरा यहाँ पर ये हेड है और ऊपर छत है, छत मतलब रूफ तो मेरे टच नहीं कर रहा है ना, तो स्पर्श नहीं कर रहा है, तो वही वहां पर मैं लिखा हूं स्पर्श में नहीं। उसके बाद में क्या है, अगर किसी वस्तु पर किसी चीज का आवरण हो, ओवर का प्रयोग करें, चाहे तो टच में हो या ना हो, किसी मतलब अगर किसी वस्तु पर किसी चीज का आवरण हो तो ओवर का प्रयोग करें, चाहे वो टच में हो या ना हो। जैसे ये बॉक्स है, ठीक है, तो ये टच में नहीं है, रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता है। एस में देखिए, द ब्रिज वॉज बिल्ड ओवर द रिवर, तो यहाँ पर क्या है, ब्रिज मतलब पुल का निर्माण कहाँ है, नदी के ऊपर हुआ है, किसपे, नदी के ऊपर। तो नदी जैसे पानी बहता है, पानी नदी टच थोड़ी कर रहा है, जैसे ये ब्रिज है, ये क्या है, ब्रिज है, क्या हा? ये ब्रिज आपका है, ये ब्रिज है, और नीचे से पानी बह रहा है, तो इसकी दोनों में क्या है, टच है, ये दोनों में टच नहीं है, गैप है, दोनों में गैप है। तो इसीलिए कहने का मतलब है कि द ब्रिज वॉज बिल्ट, मतलब पुल का निर्माण हुआ है नदी के ऊपर। एंड पुट ए ब्लैंकेट ओवर द बेबी, आप है कि आप ब्लैंकेट को बेबी के ऊपर रख दो, तो यहाँ पर ब्लैंकेट और बेबी के अलग टच हो जाएगा, तो यहाँ पर टच हो गया, यहाँ पर टच नहीं हुआ। ऑपरेट सेवन नंबर है, ओवर तथा अंडर का प्रयोग वर्टिकल पोजीशन बताने के लिए होता है। ओवर के ऊपर हो गया, अंडर के नीचे हो गया। देयर इज अ फैन ओवर माय हेड, जैसे देयर इज अ फैन ओवर माय हेड एंड ए कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल। इन मींस मे हो गया, इन टू मींस मे होता है। देखिए, एज वी आर सिटिंग इन द क्लासरूम, यहाँ इन का अर्थ है मे, यानी के अंदर, हम लोग क्लास के अंदर बैठे हुए हैं, क्या। एंड द बेबी जम्प्ड इन टू द रिवर, यहाँ इन टू का अर्थ है के अंदर आता हुआ मोशन में। नोट, तो इंटर के साथ इनटू का प्रयोग नहीं होता है, यहाँ थ्रो के साथ भी इनटू नहीं, इन का प्रयोग करेंगे। ओके, एज तो ही इंटर्ड इनटू द रूम, तो इंटर यहाँ इनटू क्या है, रॉन्ग है, तो इनटू हटा देंगे, इसको हटा देंगे। उसके बाद में ही थ्री द बॉल इनटू द वेल, मतलब उन्होंने मतलब क्या, गेंद को कुएं में फेंक दिया, तो थ्री फेंक दिया, तो अब यहाँ पर इनटू है, तो इनटू के स्थान पर इन का प्रयोग करना है, यहाँ भी इसको हटा देंगे, और इसके स्थान पर हम क्या यूज करेंगे, इन यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, इन को डाल देंगे। नाइन नंबर, ऑन टाइम समय पर, इन टाइम समय से, देखिए, तो वी रीच द एग्जामिनेशन सेंटर इन टाइम, यानी हम लोग मतलब परीक्षा केंद्र पर समय से पहुंचते थे, इन टाइम समय से पहुंचते, बहुत से स्टूडेंट्स समय से है, फ्रॉम टाइम लगा देते हैं, क्या, फ्रॉम टाइम लगा देते, तो फ्रॉम टाइम रॉन्ग हो गया, इन टाइम सही होता है, ठीक है। इसके बाद में है द एग्जामिनेशन स्टार्ट्स ऑन टाइम, यानी परीक्षा समय पर शुरू होती है, परीक्षा समय पर शुरू होती है, तो ऑन टाइम समय पर, ओके।
एंड नंबर 10 क्या है, बाई के द्वारा विद से, तो इसमें क्या है, द पेपर वाज साइंड बाय मी, मतलब कागज मेरे द्वारा, सॉरी कागज उसके द्वारा, मतलब क्या हस्ताक्षर किया गया। उसके बाद में बाय मीन्स के द्वारा हो गया, उसके द्वारा, द स्नेक वाज किल्ड बाय द मैन, मतलब सांप को आदमी के द्वारा मारा गया, तो यहाँ पर भी बाई आ गया विथ। अब देखो कहने का मतलब है कि देखिए, द स्नेक वाज किल्ड बाय द मैन, तो आदमी के द्वारा, विथ एस्टिक यानी किससे, एक छड़ी से। यू कांट टच ए बिग फिश विथ ए स्मॉल रॉड, मतलब आप एक बड़े मछली को, मतलब छोटे से आयरन से, मतलब लोहा से उसको पकड़ नहीं सकते हैं। ओके, तो यहां पर आ गया विथ से, आ गया एक छोटे से लोहा से। अब यहां पर देख रहे हैं ना, द स्नेक वाज किल्ड बाय द मैन, तो बाई आ गया के द्वारा, और विथ आ गया से। ओके, तो ये आपका बाई विथ, और इसमें ऑन टाइम इन टाइम इन इनटू ओवर अंडर। ओके, इसको नोट कर लीजिएगा, 10 तक हो गया। अब मैं नेक्स्ट आगे चलेंगे, ठीक है, मतलब हम लोग अब आगे चलेंगे। इस वीडियो में इतना ही, आप लोग इसको नोट कर लेंगे। थैंक यू, दिस मच फॉर टुडे।